नमस्कार, जय माता की। मैं सरवण राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा से कि आप सभी अपने घर घर पे अपने परिवार के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ बिल्कुल हेल्दी रहें, हेल्दी होंगे, सुख शांति से होंगे। आज का टॉपिक है, गर्मी बहुत है चंडीगढ़ में, और पंखा अगर मैं चलाता हूँ, एसी उधर लगा है, तो आवाज़ बहुत आएगी, तो वीडियो सही नहीं बनेगी। आज का मैं टॉपिक फटाफट बता देता हूँ, पितर दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो पितर दोष मोस्टली जैसे कॉमन जो बातें होती है, कॉमन बोलते हैं कि पितर दोष कहाँ कहाँ होता है भाई, अपने पूर्वजों का कुछ नहीं किया हो तब भी पितर दोष होता है। लेकिन कई कोज होते हैं पितर दोष होने के। एक तो एनिमल्स जो रखते हैं या वैसे भी एनिमल्स घूमते हैं, उनको पीटना, उनको उनके साथ बुरा व्यवहार करना, किसी भी टाइप का एनिमल हो चाहे इनोसेंट जो होते हैं, तो उससे पितृदोष लगता है। किसी के कान भर के उनके चुगली करके किसी को उसको भड़काना, उनके फोर्सफुली घर में कुछ झगड़ा या कुछ करना, उसमें पितृदोष इंसान पे लगता है। और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, उसमें पितृदोष लगता है। और भी कई रीज़न हैं पितृदोष लगने के। जो अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करता, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, उसको पितृदोष लगता है। और पितृदोष लगने के बाद कई बार क्या होता है कि आप बहुत पूजा पाठ करवा लेते हैं, मोस्टली बहुत पूजा हवन सब कुछ करवा लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि पितृदोष है, तो आप पूजा किससे करवा रहे हो। पूजा आपका कभी किसी के रूप में करवाओ, कभी किसी के रूप में करवाओगे हम, लेकिन आपकी समस्या वहीं के वहीं रहेगी। क्या क्या समस्या मोस्टली आती है पितृदोष में, अगर हो तो लोग आधे मानते भी नहीं, क्योंकि आज की जनरेशन में मोस्टली बहुत लोगों को पितृदोष है, सभी घर में प्रॉब्लम है, लेकिन आधे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं तो ये बोलते कि जी नहीं, हम तो पिंडदान कर देते हैं, आए साल करते हो करते, पिंडदान से पितृदोष रिमूव नहीं होता। पिंडदान आप जब ही कर सकते हो जब आपने उसकी गति करवा रखी, उसको शांत करवा रखो, तभी पिंडदान आपका काम करेगा। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप हीलिंग से करवाइए, आप पंडित से भी करवा सकते हो, कोई पंडित से करवाना चाहे तो, अच्छे पंडित कोई करना जानता है, और अच्छे वाला हम जो तीन घंटे में मुश्किल तीन साढ़े तीन घंटे में निपटता है, हमारे उत्तर हरियाणा उत्तरी नॉर्थ इंडिया में, साउथ में तो बहुत लंबा लंबा करते हैं। तो एक तो घर में झगड़े रहेंगे हमेशा पितृदोष, जिस घर में जिस पे भी होता। अच्छा, एक प्रश्न कई बार मोस्टली होता है कि किसी एक पे ही होता, बाकी को होता ही नहीं। अदरवाइज मोस्टली अगर एक पे होता बाकी फैमिली मेंबर पे भी 100% पितृदोष होगा। एक तो घर में झगड़े बहुत होंगे, बीमारी जाएगी नहीं, बीमारी आती रहेगी, आप दवाई खाते रहो, जो ब्लैक मैजिक में भी होता है ऐसा, लेकिन कई बार ब्लैक मैजिक निकालने के बाद भी सेम रहता है, तो इसका मतलब क्या कि पितृदोष भी है, कर्जा बढ़ेगा। ब्लैक मैजिक में ये चीज़ नहीं आती, कर्जा आपके पर चढ़ता जाएगा डेबिट, अगर आपने कुछ खर्चा किया उसको काम ही नहीं आएगा, आपने कोई बिजनेस किया चलेगा नहीं, और घर में किसी मेंबर की आपस में बनेगी नहीं। मोटी मोटी सी बातें बता रहा हूँ, घर बारे बिक जाते हैं पितृदोष में, ठीक है। नौकरी प्रमोशन, नौकरी शादी, कुछ भी चीज़ हो, सारी चीज़ों में अड़चन आ जाती है अगर पितृदोष होता है परिवार पर। एक ठीक होगा दूसरा बीमार होगा, एक ठीक होगा दूसरा बीमार होगा, ठीक है। और शांति घर में बिल्कुल ही रहेगी, तो सबसे पहले पितृदोष को रिमूव करवाना जरूरी है। देखिए, एक बार रिमूव कर लेते हैं तो कम से कम, अगर आप हीलिंग भी ले रहे हो तो आपकी हीलिंग, आपकी बॉडी पे जब हीलिंग आएगी तो 100% से ज़्यादा काम करेगी फिर, क्योंकि अगर हम अपने शास्त्रों के अनुसार चले, वैसे भी चले, तो सबसे पहले पितरों को ही पूजा जाता है, जो आपके अपने पूर्वज हैं। जब आप उनको शांत कर लोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएंगे। ऐसे कई बार केस आता है कि ब्लैक मैजिक भी होता है पितृदोष भी, कहीं भी होता है कि नहीं ब्लैक मैजिक को कर दो पितरों को देख लेंगे हम, ऐसा नहीं होता है। हम तो कर देंगे ब्लैक मैजिक, उठा देंगे अपनी थेरेपी से, माँ भगवती के आशीर्वाद से, माँ काली दुर्गा भगवान शिव जो एनर्जी साथ काम करती हैं। हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जो एनर्जी आशीर्वाद देती हैं आप लोगों को जिनकी हीलिंग करते हैं, तो जो ब्लैक मैजिक उठ जाएगा। लेकिन पितृदोष अगर है तो समस्या आपको रहेंगी,
बहुत भयंकर भयंकर प्रॉब्लम में घिर जाता है इंसान जब पितर दोष रिमूव नहीं होता। तो बाकी तो कर्मा भी होते हैं लेकिन पितरों को करना चाहिए। पितर दूसरा पितर कैसे होते हैं, जैसे अपने पूर्वज हैं हमारे, पहले तो ये कहावत होती थी कि भाई ये शादी नहीं की इसने तो, और ये जब एक्सपायर होगा इसने शादी तो की नहीं तो ये पितर बनेगा। तो हम भी यही मानते थे कभी जब गांव में हम रहते थे, अभी गांव में रहते हैं, तो जब भी हम भी यही सुनते थे कि इसकी शादी नहीं तो ये पितर बनेगा। जैसे मैंने नहीं की तो लोग सोचते होंगे मैं पितर बनूंगा, लेकिन पितर सभी होते हैं जो आपके पूर्वज होते हैं। तो जो शांति से जाते हैं, जो शांति से गए हैं, जो अपना सही तरीके से गए हैं, नेचुरल डेथ गए हैं, उनको तो सिंपल गति होती है। जो ज़्यादा तंग कौन से करते हैं, जो एक्सीडेंटल केस में गए होते हैं, और कई लोग आत्महत्या करके मरते हैं आपको पता ही है। तो जो इस तरीके से अननेचुरल डेथ जाते हैं, समय से पहले निकल जाते हैं, वो बहुत तंग करते परिवार को फिर। लेकिन क्या होता है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं। एक्चुअली क्या है कि लोग नास्तिक भी हैं, और ये भी नहीं कि नास्तिक लोग अच्छा नहीं होते, नास्तिक लोग भी अच्छा होते हैं। कई नास्तिक है जो भगवान को पूछते हैं फिर भी सब सब पूछो, जो गाड़ी घोड़ा सब पूछो, उन्हें कर्मा होते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं दान बहुत करते हैं, दान करते हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई गराया गेस्ट उन्हें खाने पे, ये कोई गरीब का वो करना, वो भी एक भगवान की पूजा ही है, गरीब की सहायता करना, वैसे दान करना और प्यार से बोलना। तो पितरों का जो वो एक्सीडेंटल केस में उस अननेचुरल डेथ जाते तो बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी पैदा करते हैं और अटैक फैमिली पे अटैक भी करते हैं, तो उन्हें गति करवाना ज़रूरी होता है। जो अकॉर्डिंग टू हम जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ, हम कोई ज़्यादा विद्वान नहीं है। तो एक तो पंडित जी गति करते हैं, जो पंडितों का अपना वर्ग है पहले से चला आ रहा है। एक हीलिंग से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हीलिंग होती है, गति तो पंडित जी करते हैं, लेकिन अगर पितर दोष रिमूव करना है, पितरों को शांत करना है, तो हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप जो हीलिंग एक्सपर्ट होता है, जिसको पितर दोष की हीलिंग करनी आती है, जब मेडिटेशन में बैठेगा तो उसको आपके जो पितर हैं उनकी इंडिकेशन मिलेगी। और ये कोई झूठ नहीं है, कोई आपको नीचे कोई पंडित जी या कोई डिसलाइक करेगा मेरी वीडियो को, कीजिए मोस्ट वेलकम, डिसलाइक कीजिए, सभी के अपने विचार हैं कि आप वीडियो को लाइक करते हो नहीं करते हो। जो लाइक करेंगे लाइक करेंगे, मैं तो कॉमन बात बता रहा हूँ, घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूँ मैं। जो हीलिंग में नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस होता है, जब हीलिंग करते हैं तो पता लगता है कि जो डिवाइन एनर्जी है वो गाइडेंस देती है मेडिटेशन में, कि पितर जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो, जिन पितरों को शांत करने की आप कोशिश कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, उनको क्या चाहिए, वो क्यों नाराज़, किस बात से लेकर नाराज़, उसको चाहिए क्या। छोटे छोटे से आइटम होते हैं जो इंडिकेशन देते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, वो चीज़ हीलिंग के दौरान पता लग जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट पर्सन जिसकी हम पितरों की हीलिंग कर रहे हैं उनको बता देते हैं कि आपके पितर ये चीज़ मांग रहे हैं, तो आप उनको दे दो, उन्हें मंदिर में दे दो, किसी पंडित जी को दान कर दो, जिसको मर्जी कर दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, जो भी इंडिकेशन आता है, या भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करवा दो, कुछ भी वो शो कर सकते हैं, तो उनकी इच्छा होती है। हमने क्या हीलिंग में क्या होता है कि हीलिंग पॉजिटिव एनर्जी उनको देना सिंबल के साथ, तो पितरों की हीलिंग स्पेशल हमारे यहाँ की जाती है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हीलिंग करवाओ। हम ये भी कह देते चेक करके, जिसने करवानी भाई अपने हीलिंग करवा सकते हो, अदरवाइज आप किसी विद्वान पंडित के पास जाके भी करवा सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई फोर्सफुली नहीं है। तो पितरों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। पितरों से नुकसान हर एक चीज़, रिश्तों से लेके बिजनेस, जीवन, बीमारी, सब कुछ में नुकसान हो, सब कुछ इफेक्ट होता है शरीर पर और घर परिवार पर। तो जो ये नहीं मानते नहीं नहीं पितर कुछ नहीं होते, हमें तो पता ही नहीं कुछ नहीं होता, तो ये गलत फहमी है। सभी धर्मों में पितरों को करवाते हैं, कोई किस रूप में उसको बोलते हैं, जैसे पंजाब में जठेरे बोलते हैं, हरियाणा में हमारे पितर बोलते हैं, कई जगह बोरखे बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन करवाते सभी हैं। सभी धर्म में लोग अपने पूर्वजों की करवाते हैं शांति पाठ किसी भी तरीके से। तो ये अगर किसी ने करवाना है तो हीलिंग से, हम तो हीलिंग से करेंगे। देखो बाकी पंडित जी, अगर किसी ने पंडित से करवाना तो पंडित का भी बता देंगे। हीलिंग का मैं बता रहा हूँ कि हीलिंग में जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो सामने इंडिकेशन आते हैं कि उनको क्या चाहिए, और जब तक वो बिल्कुल स्वच्छ नहीं हो जाते, शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक इंडिकेशन आते रहते हैं। जब वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, फिर वो दिखना बंद कर देते हैं।
जिसको पितृदोषी करवानी हो हमारे पास है तो हीलिंग एक्सपर्ट पितरों के, तो करवा सकते हैं। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। और किसी को आने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके फ़ोटो चाहिए। जिस पे ज़्यादा है सारी फैमिली के फ़ोटो चेक करें, जिस पे ज़्यादा असर है उससे शुरू करेंगे तो एक फ़ोटो से सारों का पितृदोष जो एक ही होती है ना शांत हो जाएंगे, एक ही पर्सन के उससे हीलिंग से। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।